गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बारे में संबंधित नई क्लास हो सके। टॉपिक है जड़ के प्रकार एवं इसके रूपांतर, दोनों के साथ जड़ के प्रकार और रूपांतर। कई बार क्या होता है, जड़ है वो खाद्य पदार्थों का संग्रहण करके किसी अन्य रूप में रूपांतरित हो जाता है और वो रूप जड़ का रूपांतरित रूप है गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा जैसे खाद्य पदार्थ अपने पास संग्रहित करके फूल जाते हैं और नए प्रकार नए रूप में रूपांतरित हो जाती है और वो हमारे लिए लाभदायक है। पहले अपन डिस्कस करेंगे जड़ के प्रकार। जड़ दो प्रकार की होती है, एक होती है घुसला मूल तंत्र और दूसरी होती है अपस्थानिक मूल तंत्र। हालांकि हम जानते हैं कि जब बीज का अंकुरण होता है और बीज के अंकुरण के समय दो भाग निकलते हैं, ये है प्रांग और ये वाला भाग होता है मूलांग और ये इसके है बीज पत्र। मूलांकुर के विवर्धन से मूल का निर्माण होता है जो कि धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होती है। धनात्मक गुरुत्वाकर्षण मतलब है भूमि के अंदर इसकी वृद्धि कैसे रहेगी, पॉजिटिव है। तो मूलांकुर से विवर्धित होकर के जो मूल बढ़ती है और इस मूल में क्या होगा, जो मूल बढ़ेगी ये मुख्य मूल, ये जैसे मुख्य जड़, इस मुख्य जड़ से फिर यहाँ से कोई इसकी पार्श्व शाखा निकल करके भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। तो इस प्रकार की यदि जड़ है तो कौन सी होती है, मूसला मूल तंत्र प्रकार की जड़। अपस्थानिक जड़ में क्या होता है कि जो आपका मूलांकुर से मूल विकसित होगा ये उनसे ऊपर यानी कि भूमि से ऊपर तने की पर्वसंधियों से खूब सारी जड़ें अंकुर निकलती है और खूब सारी जड़ें निकल करके यहाँ से भूमि के अंदर प्रवेश करती है। तो आपने ऐसा देखा होगा पक्का है, गन्ना है, इसमें अपस्थानिक मूलें पाई जाती है। अपस्थानिक मूलें उनको सहारा प्रदान करने का क्या करती है, काम करती है। तो इस प्रकार मुख्य जड़ के अतिरिक्त ऊपर से तने के पर्वसंधियों से निकलने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक रेशेदार जो मक्का और गन्ना में पाई जाती है, दूसरी कलम जो गुलाब और गुड़ में देखने को मिलती है। तो ये तो जनरली ब्रीफली डिस्क्रिप्शन किया आपने मूलों के प्रकार का। अब डिटेल से बताएंगे घुसला मूल तंत्र क्या होता है, अपस्थानिक मूल क्या होता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला है घुसला मूल तंत्र। इस प्रकार की जड़ों में भ्रूण के मूलांकुर से प्राथमिक जड़ बनती है, ये लंबाई एवं मोटाई में वृद्धि के मुख्य जड़ बन जाती है जिससे पार्श्व जड़ें अग्राभिसारी क्रम में निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक तृतीयक जड़ें कहते हैं। और इस प्रकार की जड़ें सरसों, ब्रैसिका कंपेस्टिस, मूली, रेफेनस सेटाइवम, गाजर, डॉक्स कैरोटा जैसे पादपों में देखने को मिलती है। दूसरी है अपस्थानिक जड़ें। इस प्रकार की जड़ तंत्र में जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य किसी भाग, फॉर एग्जाम्पल जैसे तना, शाखा, तना व पत्ती से परिवर्तित होती है और भूमिगत होकर के सामान्य जड़ की तरह
कार्य करती है। मूल के रूप में सामान्य कार्य करने वाली अपस्थानिक जड़ें दो प्रकार की, एक रेशेदार दूसरी कलम। रेशेदार जड़ें एक बीजपत्री पौधों में इस प्रकार की जड़ें देखने को मिलती है। इसमें मूलांकुर से प्रथम मूल बनने के स्थान पर स्तंभ की निचली सतह से अनेक जड़ें निकल आती हैं, जिसे रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मक्का जिया बीज, गन्ना सैकेरम ऑफिसिनेलिस, बांस में देखने को मिलती है। इनमें पौधों के सीधे खड़े स्तंभ की भूमि के निकट वाली पर्व संधि से रेशेदार जड़ें निकलती हैं, जो भूमि में प्रवेशित होकर के सामान्य कार्य उसको सहारा प्रदान करने का काम करती है। दूसरी कलम। आधार के तीन कुछ पौधे जैसे गुलाब, रोजा इंडिका, गुड़ल, हिबिस्कस रोजियस, गन्ना के स्तंभ या शाखाओं को मृदा में लगा देने पर पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। इन टुकड़ों को कलम कहा जाता है। उसके बाद जड़ों की रूपांतर। मूसला मूल एवं अपस्थानिक मूल दोनों ही प्रकार की जड़ें खाद्य पदार्थ का संग्रह, पादप को सहारा प्रदान करने और विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए अलग अलग रूप में रूपांतरित होती हैं, जिसमें पहला रूपांतरण है मूसला मूल के खाद्य संग्रहण हेतु रूपांतरण। यानी कि मूसला मूल प्रकार की जड़ें खाद्य पदार्थों के संग्रहण करके नए रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसमें पहला है तर्कुरूपी। इस प्रकार के रूपांतरण में मूसला मूल या बीज पत्रदार दोनों ही खाद्य संग्रह करते हैं। तर्कुरूपी मूसला जड़ बीज में से फूली हुई और शीर्ष या मादा दोनों ओर से पतली होती है। फॉर एग्जाम्पल, मूली रेफेनस सेटा, मूली आपने देखी होगी। मूली जड़ का रूपांतरित रूप है, विशेष करके तर्कुरूपी। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है मूली है तर्कुरूपी, शंकुरूपी, कुंभी रूपी, कंदी। उदाहरण एग्जाम्पल है, उत्तर रहेगा तर्कुरूपी। या आता है मूली रूपांतरित रूप है जड़, तना, पत्तियां, इनमें से कोई नहीं। उत्तर रहेगा जड़। नेक्स्ट, शंकुरूपी। मूसला मूल के इस रूपांतरण में मूल आधारीय भाग से थोड़ी सिरे की ओर संकरी होती है, जिससे मूल की आकृति शंकु के समान दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्स कैरोट गाजर। कुंभी रूपी, इस प्रकार के मूसला मूल का आधारीय भाग फूलकर गोलाकार संरचना में रूपांतरित हो जाता है। मूल का सिरे वाला भाग अत्यधिक पतला रह जाता है। सलजम चुकंदर। सलजम में गोलाकार भाग बीज पत्रदार होता है, मुख्य मूल अत्यधिक पतले भाग को प्रदर्शित करती है। वही चुकंदर में बीज पत्रदार एवं जड़ का आधारीय भाग फूलकर गोलाकार होता है एवं मूल शीर्ष संकरा एवं पतला हो जाता है। नेक्स्ट है कंदी। इस प्रकार की मूसला जड़ें के रूपांतरण में जड़ें किसी भी प्रकार की निश्चित आकृति एवं आकार नहीं बनाती है, बल्कि फूलकर गुद्देदार हो जाती है। उदाहरण मेरा बीज। अगली है मूसला मूल की शाखा का श्वसन के लिए रूपांतरण। यानी कि अब ये कंदील हैं, पुलकित हैं और ग्रंथिल जड़ें हैं, ये श्वसन की क्रिया को संपादित करने के लिए रूपांतरित होती हैं।
समुद्र के किनारे दलदली भूमि में ऑक्सीजन का अभाव होता है। अतः कुछ पौधे राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनोरासिया आदि में मूसला मूल तंत्र की शाखाएं वायवीय जड़ में रूपांतरित हो जाती है तथा मृदा से बाहर निकलकर ऊपर की ओर वृद्धि करती है, जिसे न्यूमेटोफोर कहा जाता है। और ये न्यूमेटोफोर है वो श्वसन की क्रिया को संपादित करने का कार्य करते हैं। इनके सिरों पर अनेक रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेटोफोर के नाम से जानते हैं। खाद्य संग्रह हेतु अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण में फर्स्ट है कंदीय अपस्थानिक मूल। कुछ पौधों में अधिपादक स्तंभ की पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती है जो खाद्य पदार्थ का संग्रहण करके कंदीय संरचना बनाती है। इनका एकांगी परिवर्धन होता है तथा ये गुच्छों में नहीं मिलती। शकरकंद आइकोनिया बटाटा। पुलकित जड़ें इन अपस्थानिक जड़ों के स्तंभ के आधार पर कंदीय मूलों का गुच्छा सा बन जाता है। मूल के इस रूपांतर को पुलकित मूल कहते हैं। डहेलिया के प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट ग्रंथिल मूल। कुछ पौधों में अपस्थानिक जड़ का शीर्ष भाग फूलकर गोलाकार हो जाता है। इनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है, उदाहरण कुरकुमा, लौंगा, हल्दी। माला का इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ों में खाद्य संचय के लिए बने फूले हुए और संकरी भाग एकांत क्रम में मिलते हैं। मूल के इस रूपांतरण को माला का मूल कहते हैं। एग्जाम्पल ट्राइफोलिया, दूसरी होती है वल्याकार या छल्ला। आई पिकार की पर्ण। ये थे पर्ण के प्रकार और सॉरी जड़ के प्रकार और जड़ के रूपांतरित रूप जो भोजन के खाद्य पदार्थ को संग्रहण करके तर्क रूपी, शंकु रूपी, कुंभी रूपी, कंदील, कंदीय, पुलंकित और ग्रंथिल मूल में रूपांतरित होकर के पादप को सहारा प्रदान करता है और खाद्य पदार्थ के रूप में काम में भी आती है। कल अपन बात करेंगे जड़ के जैव कार्य में जैव कार्यों के लिए रूपांतरित अपस्थानिक जड़ों के बारे। ओके, थैंक यू।